हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में देश की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पूरा चांस है कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर है दोस्तों बी, 103 वर्ष की उम्र में देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती, इनका निधन हो गया है। देखो मैं इनकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, थोड़ी सी इनकी डिटेल्स भी बताऊंगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 103 साल की उम्र में भी एक्टिव थी डॉक्टर पद्मावती, यूं ही नहीं कहलाती गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा डॉक्टर पद्मावती। किसको? डॉक्टर पद्मावती को कहा जाता है। देखोगे ये है डॉक्टर पद्मावती जिनकी अभी 103 साल की उम्र में डेथ हुई है। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस आई पद्मावती का 103 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही थी। किसके कारण हुई है डेथ इनकी? कोरोना वायरस के कारण इनकी डेथ हुई है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी, कौन से राज्य ने किया है संविधान की 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रस्ताव पारित। आंसर है इसका डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने संविधान की 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रस्ताव पास किया है। बात अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, पहले मैं सीएम की बात करूंगा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में नॉलेज रखनी है आपको। देखोगे जहां पर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश की मांग, राज्य को संविधान की 6वीं अनुसूची में जगह मिले, विधानसभा में प्रस्ताव होगा पेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार का तर्क है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने से राज्य के जनजातीय समुदाय को काफी स्वायत्तता मिल जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अपने हिसाब से कानून भी बना पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 6वीं अनुसूची। मैं पढ़ाऊंगा संविधान, पूरा बताऊंगा इसकी डिटेल्स क्या है। देखो आगे भी लिखा है इसमें, अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार की मांग है कि राज्य को संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत रखा जाए। इससे जुड़ा प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में गुरुवार को पेश किए जाने की संभावना है। हाल ही में अरुणाचल कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि केंद्र के सामने यह मांग रखी जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर, आपको याद रखना है आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रो रो सेवा को हरी झंडी दी है। देखो ये सेवा का नाम है रो रो सेवा, इसको हरी झंडी दी है। किस राज्य सरकार ने रो रो सेवा को हरी झंडी दी है? आंसर होगा दोस्तों इसका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार ने रो रो सेवा शुरू की है। देखो बात कर्नाटक की है दोस्तों, तो कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के इस टाइम पर जो सीएम है उनका नाम है वीएस येदियुरप्पा, येदियुरप्पा रप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों उनका नाम है बैजूभाई वाला, बैजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे इसमें देखते हैं ये है क्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी एस येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी आंगड़ी ने दक्षिण पश्चिमी रेलवे के नीलमंगला बेंगलुरु के पास से बेल सोलापुर के पास तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दी है। इससे क्या होगा, जो लोगों की जरूरतें हैं उन जरूरतों को घर घर तक जाकर पूरा किया जाएगा। ये इसका रहेगा कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उससे बचने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर चार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कितने और बनाएगी। आंसर है इसका सी, 7। 7 नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाएगी संस्कृत मंत्रालय की, ये संस्कृति मंत्रालय की ये घोषणा है।
देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स क्या है। जैसे लिखा हुआ है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। इस वीडियो संदेश में संस्कृत और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, देखो मैंने ये फोटो लगाई है, ये वाली पीछे, एक सेकेंड में दिखाता हूँ, ये हैं आपके प्रहलाद सिंह पटेल, ये मंत्री हैं आपका संस्कृति मंत्रालय के, प्रहलाद सिंह पटेल, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। प्रहलाद सिंह पटेल ने 26 अगस्त 2020 को इस निर्णय के बारे में बताया है। अब देखो हम ये देख लेते हैं 7 कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बनेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्र कौन कौन से हैं देखोगे, इसमें एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश, एक है उत्तर प्रदेश, एक है तमिलनाडु, एक है पश्चिम बंगाल, एक है कर्नाटक और एक है गुजरात। ठीक है, कौन से हैं ये वाले क्षेत्र जो मैंने आपको बताए हैं, ये हैं और अभी एक कर्नाटक का मैंने आपको बताया ही है। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की पहली ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत के साथ किस देश को विजेता घोषित किया है। आंसर होगा इसमें डी, रशिया, रूस को इसमें घोषित किया गया है भारत के साथ विजेता इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में। रूस की बात करें, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की करेंसी क्या है, रूबल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इतनी बात याद रखोगे। आगे इसमें देखोगे क्या है, ये है देखोगे रशिया के खिलाड़ी, ये हैं बिनर हमारे देश के खिलाड़ी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन ओलंपियाड। आगे देखोगे इसमें क्या लिखा है, चेस ओलंपियाड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में भारत रूस संयुक्त रूप से विजेता, पीएम मोदी ने दी बधाई। आगे लिखा है, शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस संयुक्त रूप से विजेता, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड कराया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये ऑनलाइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखोगे दोस्तों 6 है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। देखो महिला समानता दिवस कब मनाया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका डी, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। तो आंसर इसका, सॉरी ये डी नहीं है, सी है। ठीक है, ये आंसर सी है इसका, 26 अगस्त, मतलब इसमें करेक्शन है थोड़ा सा, 26 अगस्त को ये मनाया गया है महिला समानता दिवस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 7 है दोस्तों, हाल ही में NCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। देखो NCERT ने एक रिपोर्ट दी है और इसमें बोला है कि ऑनलाइन क्लास के लिए जो छात्र हैं उनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। आंसर है इसका ए, 27%। 27% जो छात्र हैं उनके पास या तो फ़ोन नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, ये 27%। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। अब इसमें देखोगे जैसे रिपोर्ट है इसमें कि ऑनलाइन क्लास के लिए 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं है, ये अध्ययन है। देखो इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 28% ऐसे भी लोग हैं जो पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, या तो उनके यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं है या फिर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो इस सर्वेक्षण को कराने के लिए लगभग 38,000 शिक्षकों को शामिल किया गया था। कितने, 38,000 शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया था, तब ये सर्वेक्षण हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष पर रहा है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु के सबसे पहले हम सीएम की बात करें तो सीएम कौन है यहाँ पर, के पलानी स्वामी। कौन है, के पलानी स्वामी यहाँ पर सीएम है, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पर गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित,
यहाँ पर कौन है दोस्तों, गवर्नर हैं। अब देखो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपके लिए क्या है। जैसे लिखा हुआ, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा। यह आंकड़े राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु में 58,227 करोड़ रुपए लोन के रूप में प्रदान किए गए थे। तो ये पूरी डिटेल्स है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेगी ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखोगे 9 है। हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है? 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र किसको घोषित किया गया है? आंसर होगा इसका बी, असम को किया गया है। असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। बात असम की है दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम के CM है सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनेवाल। और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं असम के। आगे इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अफसा, असम में अफसा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। जानिए अफसा के बारे में कुछ और। देखोगे इसमें क्या है लिखा हुआ है, असम सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की अवधि फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जो 28 अगस्त से प्रभावी होगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असम को हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमलों और विभिन्न हिस्सों में अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। देखो मैं ये बता देता हूँ कि ये अफसा होता क्या है। जैसे लिखा हुआ है, क्या है ये अफसा कानून? इसमें देखो क्या होता है, भारतीय संसद ने 61 वर्ष पूर्व आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, जो अफसा की फुल फॉर्म है ये, को पारित किया था। यह सैनिक कानून है जिसे अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इस कानून के माध्यम से सेना को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफसा को 1 सितंबर 1958 को भारतीय राज्य असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू किया गया था। तो ये भी है कि कहां पर लागू किया गया था शुरुआत में, तो ये राज्य हैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो ये होता है अफसा, इसके बारे में एक बार और पढ़ लेना आप, सही से वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखोगे 10 है दोस्तों। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिबोसो का निधन हो गया है? पास्कल लिबोसो का निधन हो गया है, लिबोसो का निधन हुआ है किस देश के थे? कांगो। ऑप्शन नंबर सी, कांगो के राष्ट्रपति थे पास्कल लिबोसो, इनका निधन हुआ है। बात कांगो की है दोस्तों, तो सबसे पहले कांगो की कैपिटल देखते हैं। तो कांगो की कैपिटल है किनशासा। क्या नाम है? KINSHASA, किनशासा इसकी कैपिटल है। और कांगो फ्रैंक यहाँ की क्या है? करेंसी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में, उनका नाम है फेलिक्स, FELIX, फेलिक्स शिशिकेडी, TSHISEKEDI, शिशिकेडी यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रख लेना है। आगे आते हैं आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, ये है देखोगे यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी निधन हुआ है, पास्कल लिबोसो का, ये याद रख लेना, कांगो के राष्ट्रपति थे। ये भी याद रख लेना कि हमारे देश के जो प्रणब मुखर्जी थे पूर्व राष्ट्रपति, उनका भी निधन हो गया है, भारत रत्न उनको मिला हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रख लेना, उनका एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा अगली वीडियो में। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? टुडे क्वेश्चन दोस्तों, सभी को आंसर करना है वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो दोस्तों, बहुत कम लोग वीडियो को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों, बाय, टाटा।